நல்லா இருந்துச்சு. इसे बोलते हैं याक ट्रेन. ये याक बेस कैंप से सामान लेकर आए हैं क्लाइंबर्स का. ये याक ग्लेशियर को पार कर रहे हैं. अगर वहां पत्थर ना होते याकों के पैरों के नीचे तो वे याक फिसल गए होते ग्लेशियर में. थोड़ा सा सामने वो झंडियाँ दिख रही हैं, वही एवरेस्ट बेस कैंप है, वही हमारा निशाना है. हम वहाँ जाएंगे, दो तीन फोटो खींचेंगे और फिर वापस चल देंगे. यह खुम्बू ग्लेशियर का एक छोटा सा टुकड़ा है. इसे थोड़ा सा हमें पार करना होता है बेस कैंप जाने के लिए. ये एक दोनों तरफ ठोस बर्फ की कठोर चट्टाने हैं, उनके ऊपर पत्थर रखकर इसे इसकी फिसलन को कम करने की कोशिश की गई है. खच्चर और याक बखूबी जानते हैं कि अगर इन पत्थरों से इधर उधर पैर फिसला तो गए काम से. यह है एवरेस्ट बेस कैंप. हमें बस यहीं तक आना है, इससे आगे हम नहीं जा सकते. हमारे पास आगे जाने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है. आगे सामने खुम्बू ग्लेशियर है. हम भी वैसे खुम्बू ग्लेशियर पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो सामने आपको दिख रहा है ये खुम्बू आइसफॉल है. खुम्बू आइसफॉल पार करके ही एवरेस्ट की चोटी तक जाया जाता है. यह है एवरेस्ट बेस कैंप. यहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की जाती है. हमारे जैसे बहुत सारे लोग यहीं तक आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए. एक चीनी ग्रुप भी है, वो यहाँ पे खड़े होकर मूवी बना रहे हैं. बहुत देर से चिंग चुंग कर रहे हैं. 15-20 मिनट तक इन्होंने यहाँ खड़े होके अपनी मूवी बनाई थी. मौसम ख़राब है, बेस कैंप से वैसे भी एवरेस्ट नहीं दिखती है. वो उधर खुम्बू ग्लेशियर है, उसे चढ़ के एवरेस्ट पर पहुँचा जाता है. खुम्बू ग्लेशियर पर ही हम भी अभी खड़े हुए हैं. हे भगवान, ये शेरपा लोग कितना कितना वजन उठा लेते हैं. 70-80 किलो तो वजन इसके पास है. कमाल, ये देखिए इसके पीछे घोड़ा खाली चल रहा है. वजन शेर पर उठा रहा है, घोड़ा खाली चल रहा है. निशा इसे अब पार करने की कोशिश कर रही है. आता है.
कल यहाँ से और नामचे बाजार तक मैराथन आयोजित की जाएगी। बहुत सारे मैराथन धावक यहाँ पर उपस्थित हैं। ये है ना ये वाला बर्तन धोने वाला जूना, इससे रगड़ लो सिर। जुराब? जूना जुराब है वो। अरे जूना भी रखा है स्टील वाला। जूना होना ना पता कहाँ है। ये राख को कुने रखा कुत्ते ही झाड़ नहीं बन रहे देख। मेरे खुद ना बने जब बाल धोए। दोबारा लगा लो और भी ऐसे इसमें से ही निकाल लो, थोड़ा बहुत तो निकलेगा। पानी गिरो पहले सिर पर। गेरो सही पानी पहले। अब निकाल लो दोबारा से। निकाल लो तो सही। कुछ भी ना निकाला, घंटा निकाला। तो मान लो जाते हैं तो आप धो लेंगे। हम ताक्षिंदोला पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी और यहीं पर हमारी बाइक खड़ी हुई है। हम अभी थोड़ा सा खा पी कर फिर बाइक यात्रा शुरू कर देंगे। यहाँ पे अभी हमने बाइक स्टार्ट करके देखी, इधर बाइक स्टार्ट हुई उधर राम जी स्टार्ट हो गया। ना केवल बारिश बल्कि ओले भी पड़ने लगे। आज तक की सबसे तेज बारिश हमने यहाँ पर देखी है। दोपहर बाद बारिश हो जाया करती है लेकिन आज
दो बजे ही बारिश होने लगी और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हमने पूरे रास्ते में पिछले 15-16 दिनों में कहीं नहीं देखी।